तो नमस्कार दोस्तों, मैं बैठा हूँ आपके सामने कोकसर में, कोकसर स्नो पाइन। रोहतांग यहाँ से 20 किलोमीटर है, लेह करीबन 350 किलोमीटर दूर है। यहाँ से देखिए आप कितनी स्नो ही स्नो है। यहाँ बच्चों के गेम्स वगैरह चलते हैं और ये पीछे नदी चल रही है मेरे। नदी का पानी देखिए, स्नो के अंदर में से नदी का पानी जा रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विहंगम दृश्य, बहुत ही सुंदर वातावरण जिसमें हम मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है। देखिए पीछे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप देख रहे होंगे। यहीं से चंद्र ये भागा रिवर निकलती है आगे से, और ये सहायक नदी है जो आप पीछे देख रहे हैं, चंद्रभागा की सहायक नदी है कोकसर, जो मनाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ पे रोहतांग जाकर के आते थे तो बहुत लंबा दूरी पड़ता था, 60 किलोमीटर पड़ता था। अब तो करीबन लगभग 35 के लगभग ही पड़ता होगा मनाली से, और यहाँ से केलोंग भी बिल्कुल पास है, इतना ही केलोंग होगा यहाँ से लगभग। हम सोलांग आ गए, सभी यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड हुआ करता था, अब रोड निकल गई है यहाँ पे। कोकसर मनाली से 41 किलोमीटर पड़ता है। कोकसर में काफी बर्फ मिलेगी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, हमारे पायलट बता रहे हैं, और वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज भी काफी होती हैं। आज हम बैठे हुए हैं श्याम उस्ताद के साथ में, ये हमारे पायलट हैं, ये हमको लेकर के जाएंगे कोकसर। तो श्याम भाई, सीजन में कितने ग्रुप आ जाते हैं एक दिन में? एक दिन में सर जी दो दो तीन तीन चक्कर भी लगते हैं, कई बार दो चक्कर भी कर, एक चक्कर भी ऐसा होता है। हम रोहतांग पास स्नो पाइन के लिए जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां रवाना हो रही हैं। यहाँ जितने भी पायलट हैं, गाड़ी चलाने वाले, सब नेपाली हैं। 90% नेपाली है, 90% होंगे, 10% हिमाचली और स्टेट्स के होंगे। यही एक्सपर्ट है, आप देखिए क्या शानदार गाड़ी दौड़ा रहे हैं। पेट का पानी भी नहीं हिल रहा, डर तो लग रहा है, दिल तो मचक गया है हमारा। बर्फ आ गई है चारों तरफ, स्नो ही स्नो दिख रही है। अटल टनल, स्नो गिर गई है। अटल टनल, स्नो गिर गई है। चुप है तो ये डर लगता है, अब बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। पूरी टनल के अंदर किलोमीटर लिखे हुए, कितने किलोमीटर बच गए, देखिए 2 किलोमीटर और बचे हैं। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ होगा 2 किलोमीटर, पूरी 9.5 किलोमीटर की टनल है जिसमें 2 किलोमीटर और बचे हैं। 9.5 किलोमीटर लंबी अटल टनल को हमने पार कर लिया है, और हम लोग अब इससे बाहर निकल रहे हैं। देखिए कितनी लाइटिंग थी, BSNL भी यहाँ मोबाइल काम करता है। अब देखिए आगे का अलग ही माहौल होगा, उस साइड का अलग माहौल था, इस साइड का अलग माहौल होगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा पहाड़ बर्फ के, देखिए ऊपर दिख रहे हैं आपको, और इस साइड देखिए आप क्या शानदार वैली है। देखिए पूरा बदल गया, ओ भाई मस्त हो गया। अरे ओ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजे आए कि नहीं आए बताओ। देखिए बिल्कुल टनल के पार करते ही मस्त, क्या मस्त हो गया। टनल पार करते का माहौल और टनल के उस साइड के माहौल में रात दिन का अंतर था। अब ले यहाँ से 396 पड़ गया, कारगिल 450, श्रीनगर 560, रोहतांग 27 और काजा 144 और सुमंडो 28। अब हम इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में क्या रास्ता है ये? लेह लद्दाख लेफ्ट में कटता है, और हम जा रहे हैं इस समय रोहतांग टुवर्ड्स रोहतांग, जहाँ हम जाएंगे कोकसर। कोकसर से 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा कम से कम रोहतांग पास। बहुत ही सुंदर वादियों में हम पहुंच गए हैं अटल टनल पार करते ही। तो कोकसर यहाँ से कितना किलोमीटर है?
8 किलोमीटर दूर खोखसर है, गाड़ियां दौड़ रही हैं और हम भी दौड़ रहे हैं। और ये जो पीछे बच्चे लोग बैठे हैं, बच्चे लोगों को कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत मजा आया, शानदार। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बन गए हैं। ये जो नीचे रिवर बह रही है, चंद्रभागा रिवर बह रही है, ये चंद्रताल से आ रही है। चंद्रताल कुंजुम जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। हम लगभग खोखसर पहुंच गए हैं। जो सामने गांव दिख रहा है, खोखसर गांव है, छोटा ही गांव है, लेकिन यहां पे होम स्टे आपको मिल सकता है। आप रहने आए तो मिल जाएंगे। गांव वालों ने होम स्टे बना रखी है, जैसे इसमें होम स्टे होगा। आप यहां करके रह सकते हैं, 800 रुपए से लेकर के 2000 तक सीजन के हिसाब से भाड़ा होता है यहां पे। हम लोगों की गाड़ियां यहां पार्क हो जाएंगी, फिर हम लोग घूमने निकलेंगे। नीचे चंद्रभागा रिवर बह रही है, ये आगे जाके चेनाब में मिलेगी और चेनाब से जाकर के पाकिस्तान में मिलेगी। और ये चलती है चंद्रभागा ताल से, जो कुंजुम के आसपास पड़ता है, कुंजुम के पास में, यहीं से आगे से इसका रास्ता निकलता है चंद्रभागा रिवर। कभी यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ होगा। ये खोखसर में होम स्टे, सबके मोबाइल नंबर है और नाम है सबके। और ये खोखसर के कैंप से आइस जमी हुई है, देखिए आप, ये इतनी शानदार तरीके से आइस जमी हुई है। ये इसको चक्कू लटके हुए कर रहे हैं बच्चे, एंजॉय, खेल कूद, मस्ती। देखिए बर्फ जमी हुई है। बर्फ के मध्य से कलकल बहता हुआ पानी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं बैठा हूँ आपके सामने कोकसर में, कोकसर स्नो पाइन। रोहतांग यहाँ से 20 किलोमीटर है, लेह करीबन 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखिए आप कितनी स्नो ही स्नो है। यहाँ बच्चों के गेम्स वगैरह चलते हैं, गेम्स वगैरह चलते हैं। और ये पीछे नदी चल रही है, मेरे नदी का पानी देखिए, स्नो के अंदर में से नदी का पानी जा रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विहंगम दृश्य, बहुत ही सुंदर वातावरण जिसमें हम मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है। देखिए पीछे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप देख रहे होंगे। यहीं से चंद्रभागा रिवर निकलती है आगे से, और ये सहायक नदी है जो आप पीछे देख रहे हैं, चंद्रभागा की सहायक नदी है खोखसर, जो मनाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पहले यहाँ पे रोहतांग जाकर के आते थे तो बहुत लंबा दूरी पड़ता था, 60 किलोमीटर पड़ता था। अब तो करीबन लगभग 35 के लगभग ही पड़ता होगा मनाली से। और यहाँ से केलोंग भी बिल्कुल पास है, इतना ही केलोंग होगा यहाँ से लगभग। देखिएगा तो दोस्तों, पीछे देखिए झरना कितना शानदार बह रहा है, बर्फ के मध्य में से, बर्फ के आइस क्यूब थे उसके मध्य में से ये झरना बह रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। आज कोकसर स्नो पॉइंट पे मैं आशीष पारिक आपको दिखाने लेकर के आया हूँ। देखिए पीछे स्नो ही स्नो दिख रही होगी आपको, चारों तरफ स्नो ही स्नो दिख रही है आपको। बहुत ही सुंदर व्यू कोकसर स्नो पॉइंट। यहाँ से रोहतांग 20 किलोमीटर है और मनाली कम से कम यहाँ से 35 किलोमीटर। यहाँ से ले भी रास्ता जाता है आगे, चंद्रताल जाता है यहाँ से, कुंजुम पास रास्ता जाता है। आप कभी भी यहाँ घूमने आए जरूर आए। खोखसर स्नो पॉइंट पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ खाने पीने के लिए आपको मिल जाता है। सामने आप देख ही रहे होंगे, ये खोखसर फूड जोन है, मतलब खोखसर गांव के अंदर है। आप यहाँ भी कुछ खा सकते हैं, खाना मिल सकता है, लेकिन यहाँ रोटी कम मिल पाएगी आपको, चावल दाल राजमा या मीठी मिलेगा। बड़ा सुंदर ही वातावरण के अंदर आज का है व्लॉग, मैं यहीं ख़त्म करके जल्दी जल्दी आपसे नए व्लॉग में मिलने का वादा करता हूँ। आपका